हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होडल ब्रजभूमि के ऐतिहासिक चमेली वन धाम में तेंदुआ घुसने की खबर से हड़कंप मच गया है। बीती रात लगभग 11:30 बजे चमेली वन धाम के वनी में तेंदुआ देखा गया। रातोंरात चमेली वन में तेंदुए के मिलने की खबर पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में मामले की सूचना वन संरक्षण विभाग एवं पुलिस प्रशासन के साथ प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच गई। मामले की सूचना मिलते ही पूरा प्रशासनिक अमला संबंधित विभागीय टीम को लेकर चमेली वन धाम में रात भर डेरा डाले रखा। विभागीय सर्च ऑपरेशन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वन विभाग अधिकारी ने बताया कि जरूरी नहीं है कि वो अभी भी यहाँ हो। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार इस वनी में बंदरों की चहलकदमी हो रही है उससे लगता है कि तेंदुआ यहाँ से निकल चुका है। उन्होंने लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिन और रात के समय कोई भी आसपास के खेतों में अकेला काम करने ना जाए, खेतों में झुंड बनाकर जाएं और पूरी एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि दिन छिपने के बाद कोई भी मंदिर में दर्शन के लिए ना आए। पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखा। मंदिर के महंत काना भैया ने वीडियो संदेश से लोगों को आगाह करते हुए कहा कि रात के समय एवं प्रातः बेला में कोई भी मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आएगा। उन्होंने अपने अपील में कहा कि जो बच्चे फौज की भर्ती की तैयारी में प्रातः बेला में परिक्रमा मार्ग पर दौड़ लगाने आते हैं उनसे उनकी गुजारिश है कि वे जब तक तेंदुए की खबर की पुष्टि ना हो जाए कि वो चमेली वन धाम से बाहर निकल गया है तब तक परिक्रमा मार्ग में कोई भाई दौड़ लगाने ना आए। इसके अलावा महिला बच्चे अकेले मंदिर के दर्शन के लिए ना आए। मंदिर में दर्शन के लिए आधार जरूरी समझे तो अपने साथ अग्नि जरूर लेकर आए। तेंदुए की खबर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। किसान और मजदूर पशु चारा लेने एवं फसल के नाम से खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। लोगों में भय व्याप्त है कि कहीं आदमखोर तेंदुआ उनके खेतों में छिप कर ना बैठा हो। होडल से हमारे संवाददाता रतन सिंह की रिपोर्ट। हो सकता चला ही गया होगा तो चला भी गया, ये ज्यादा दिन नहीं ठहरता। और प्रोफेशन तो यही है कि इंसान अपनी सावधानी खुद रखे, जंगल में ना जाएं। पब्लिक को यही मेरा कहना है कि भी जंगल में एंट्री ना करें। तो आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से क्या उसको पकड़ने के लिए क्या इंतजाम है? जंगल है, जंगल में तो देखो जीव रहते हैं, जंगली जीव तो जंगल में रहने के लिए होते हैं, यही इसका घर है। ठीक है, अगर आबादी में या कहीं किसी उसमें जाएगा। सर ये मंदिर आबादी है ही क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते जाते हैं, इतना नहीं आने का, पब्लिक में नहीं जाएगा वो। है तो बंदर की बनी में सर आते जाते हैं, अगर किसी पर अटैक करता है। देखो लोगों का आवागमन ज़्यादा है सर मंदिर पर, तो डरने की कोई इतनी बात भी नहीं है। तो मतलब उसके लिए फिर क्या किया जाएगा, क्या रेस्क्यू चला जाएगा? रेस्क्यू तो अभी देख रहे हैं, इसको पगमार वगैरह देखेंगे कि कहाँ किस साइड में है, किस साइड में निकला है वो, और हॉस्पिटल निकल भी गया हुआ है। क्योंकि जैसे बंदर यहाँ घूम रहे हैं ना, किसी ये अंदेशा है कि शायद वो चला गया। नहीं सर मतलब जंगल ज़्यादा है, बनी ज़्यादा है। अब तो ज़्यादा है तो देखो जंगल में तो रहते हैं, फिर जंगली हर जंगल में तेंदुआ भी होता है। और यहाँ जैसे बताया अभी काफ़ी संख्या में जंगली जीव बहुत उसके ये है, पानी की व्यवस्था है। तो कब से है ये, अभी आया है या क्या, तो काफ़ी दिन का है यहाँ। तो सर अपनी तरफ से क्या सर जान चाहेंगे इसके लिए? ऐसा तो जंगल में तो रहते हैं सर, लोगों से तो हम सावधानी के लिए कह सकते हैं अभी इतना भी ध्यान रखें और जंगल में ना जाए। सर जो यहाँ पर एक तेंदुआ देखा गया है तो सर क्या क्या उसके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? क्यों लोगों में इस समय दहशत का माहौल है, मंदिर पर आवागमन ज़्यादा रहता है श्रद्धालुओं का, तो क्या इस क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखो ये धार्मिक स्थल है और लोगों की आवाजाही है, इसमें तय है। और मेरे तरफ से तो यही है, देखो मौके पर वन विभाग अपने अधिकारी कर्मचारी के साथ मौजूद है, पुलिस मौजूद है, प्रशासन मौजूद है। तो इस तरह से मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पूरा प्रिकॉशन खुद ले रहे हैं, उसको फॉलो करेंगे और लोगों को उन्होंने दे दी है कि भी आप प्रिकॉशन लेते रहें, यही बात है। तो उसके मतलब पकड़ने के पकड़ने के लिए आप कह रहे हैं ना, प्रक्रिया है, जंगल जंगल का प्राणी है, तो आप उनके पग मार्ग देखेंगे और उसको व्यवस्था एक दो दिन में या अभी आज या उसके आज, मैंने भी आपसे अनुरोध किया है प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन का अलग से भी बात है इनको। तो ये अपना जो टेक्निक है, अपनी को बात है कैसे करते हैं वो बेहतर जानते हैं और वो और मेरे ख्याल से ये सब मौजूद हैं यहाँ पे। जनमुखी भी देखो अभी बोले सकंदर हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।